अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान हेयर। नो बैंक स्टेटमेंट, नो NTN, नो टैक्स रिटर्न। सिर्फ आपके पास आपका बाई नेम क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और विदाउट वीज़ा आप एक ऐसी कंट्री की सैर करने के लिए जा सकते हैं जो इस टाइम पूरी दुनिया का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और टूरिज्म के हवाले से मरकज बना हुआ है। और व्यूअर्स, आपको पता है जब से वर्ल्ड कप का फुटबॉल दोहा में हुआ है और इस टाइम दोहा जो है अरब ममालिक के अंदर दुबई के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू और टूरिज्म के हवाले से। व्यूअर्स, कतर जाने के लिए आपको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाएगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ऑन अराइवल आपकी स्टैम्प मिलेगी। अब ये वीज़ा किस तरह आपको वहाँ पर ऑन अराइवल मिलेगा और पाकिस्तान से जाने से पहले आपने कौन से 2 से 3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं और आपको ऑन अराइवल इस बेस के ऊपर वीज़ा दिया जाएगा। व्यूअर्स, कतर जाने के लिए आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसके बेस पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपने कंफर्म टिकट करवानी है, आपने पेड होटल करवाना है और होटल आपने जो है वो booking.com या गोडा से नहीं करवाना। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्कवर कतर के नाम की वेबसाइट है और ये कतर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने कन्फर्म होटल और पेड होटल करवाना है। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी टिकट के हिसाब से जिस दिन का आपका प्लान बना हुआ है, कितने दिन की आपने अटेंडेंस है आपकी, आप इस वेबसाइट पर जाके अपना कन्फर्म होटल डालेंगे, चेक इन चेकआउट की पूरी डिटेल और क्रेडिट कार्ड से आप इसकी पेमेंट करेंगे। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट करेंगे इस वेबसाइट पर, तो आपके वो एक ईमेल आ जाएगी कन्फर्मेशन होटल बुकिंग की। अब आपके पास टिकट हो गई और आपके पास होटल बुकिंग हो गई, अब आपने अपनी ट्रैवलिंग से 2 से 3 दिन पहले कतर की एक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। इस वेबसाइट का भी एड्रेस जो है वो आप में आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, www.ehtiraz.gov.qa। इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, अपनी ट्रैवलिंग की डिटेल डालनी है और होटल की डिटेल डालनी है, चेक इन और चेकआउट का पूरा आपने प्रोसीजर इसके अंदर डालना है। अब जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपको एक मज़ीद कन्फर्मेशन ईमेल आएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दोहा जाने के लिए रेडी हैं। अब पाकिस्तान से जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मज़ीद, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और जो पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, विद इन सिक्स मंथ नहीं होना चाहिए अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आपके पास पासपोर्ट, आपके पास टिकट, होटल बुकिंग की कंफर्मेशन और ये इस वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास शो मनी होनी चाहिए। अब व्यूअर्स, शो मनी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अब जो कतर की रिक्वायरमेंट है वो आपके जितने दिन आपने रहना है उनकी रिक्वायरमेंट है $100 पर डे। अगर आपका 8 दिन का ट्रिप है तो आपके पास $800 होने चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं या 15 दिन के लिए कतर जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपके पास जो है ना पर डे के हिसाब से $1,000 या $1,500 होने चाहिए। और फिर तो आप ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी करके जैसे ही आप कतर के दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे उसके बाद उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा आपको ऑन अराइवल एंट्री देने के लिए। तो उनका पहला क्वेश्चन होगा शो मनी का, दूसरा क्वेश्चन होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन की होगी ehtiraz.gov वेबसाइट पर जाके, तीसरा क्वेश्चन कन्फर्म होटल बुकिंग, उनका फोर्थ क्वेश्चन होगा वो आपने टिकट दिखानी है। जैसे ही आपको ये चारों चीज़ें उनको दिखा देते हैं तो आपको पासपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री की स्टैम्प दे देंगे। और व्यूअर्स, ड्यूरिंग योर स्टे ऑफ विजिट वीज़ा आप दोहा में किसी किस्म की जॉब नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप दोहा में जॉब करना चाह रहे हैं तो उसका एक अलग से प्रोसीजर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में भी शेयर करूँगा। इस हवाले से आपके मुख्तसर बता देता हूँ कि आप जब विजिट कर रहे हैं दोहा में, आप मुख्तलिफ कंपनी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वो आपका CV सक्सेस हो जाता है, आपको वो कन्फर्मेशन लेटर दे देते हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा वापस पाकिस्तान आना होगा, अपना वीज़ा प्रोसेस करवा के आप दोबारा जा सकते हैं। वीज़ा के ऊपर आप दोहा में किसी किस्म की जॉब नहीं कर सकते, वो बैन है वहाँ पे। अब आपको मैं ये एक समरी के तौर पे बता देता हूँ, कतर जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कन्फर्म टिकट, आपके पास होटल बुकिंग, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और शो मनी होनी चाहिए, जस्ट कोई वीज़ा नहीं चाहिए। टिकट लें, दोहा आ जाएं, आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसी टाइम आपको वीज़ा स्टैम्प दे देगा,
और आप जितने दिन के लिए आपके पास होटल बुकिंग और टिकट की रिजर्वेशन है, आप दोहा में विजिट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, दोहा के अलावा और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे रही हैं, ये डिटेल वाइज मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में भी बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।